हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो आपने अपने इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लिया होगा और अपने जो मार्क्स हैं वो भी कैलकुलेट आपने कर लिए होंगे। तो आप जानना चाहेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है आपके सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर वो स्कोर होता है कि अगर आपका स्कोर उसमें वेरी करता है, अगर आपके जो परसेंटेज है उतना, अगर आपके परसेंटेज आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। सेफ जोन का मतलब होता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है नेट या जेआरएफ जो भी आपका टारगेट है क्वालिफाइड करने की, वो काफी हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेफ स्कोर आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज। ओके, सो अगर आपका टारगेट है फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम, तो आप हमारा फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर वन की फ्री ऑनलाइन क्लासेस, जहां पर आपको मिलते हैं मोर देन 250 मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर एंड मैनी मोर। ठीक है, जो लिंक है डाउनलोड करने का ऐप वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो कट ऑफ होती है उसकी प्रिडिक्शन की जाती है कुछ फैक्टर्स पर, जो कि होते हैं आपके पास्ट ईयर कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने पास्ट ईयर कट ऑफ जो है वो जून 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन एंड एग्जाम डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो आपकी बात जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं क्योंकि दो साइकिल्स के एग्जाम एक साथ मर्ज कर दिए गए थे, और जो डिफिकल्टी लेवल है तो हम दिवाकर एजुकेशन आप जो है वो 25 प्लस सब्जेक्ट कवर करता है, तो हमने काफी सारे स्टूडेंट से पूछा है कि उनका पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको जो है सेफ स्कोर बताऊंगा। ठीक है, और ये जो सेफ स्कोर है मैंने 25 प्लस सब्जेक्ट्स के कट ऑफ देखे हैं पास्ट ईयर के, यानी कि 2020 जून के, एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सेफ स्कोर चार्ट बनाया है। सेफ स्कोर चार्ट वो चार्ट है कि जिसमें अगर आपका जो स्कोर है आपके सब्जेक्ट का जो स्कोर है अगर इसके बीच में वेरी करता है तो आपकी जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, ये कम्प्लीटली प्रिडिक्शन पर बेसिस है, कम्प्लीटली पास्ट ईयर डाटा पर बेसिस है, और कम्प्लीटली अभी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने दिया है उसके प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो काफी कम है, यानी कि उस सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम अपियर्ड होते हैं, तो देन आपके जो कट ऑफ है वो हाई जाती है यूजुअली अदर सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर यू नो पास्ट ईयर्स में देखा गया है काफी बार, मैंने हर बार प्रेडिक्शंस की हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी की थी कि क्या एक्सपेक्टेड स्कोर रह सकता है, तो कई बार देखा गया है कि जो जिनमें स्टूडेंट्स जिस एग्जाम को जिस सब्जेक्ट को कम देते हैं उसका जो स्कोर जो कट ऑफ जाती है वो यूजुअली काफी हाई जाती है उन सब्जेक्ट से कंपेयर जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आप स्कोर मैंने कैटेगरी वाइज रखा है सेफ स्कोर, वो मैंने 20 to 25 सब्जेक्ट ऐसे लिए हैं जिनका मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्हें एग्जाम देते हैं, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है अपियर होते हैं, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो है सेफ स्कोर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी के लिए रखूंगा, फॉर लेक्चरशिप के लिए 56 to 60, यानी कि अगर आपका स्कोर जो है वो 56 टू 60 के बीच में है, ठीक है, तो आप सेफ जोन में है, यानी कि आपके जो क्वालिफाइड करने की प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो 56 टू 60 फॉर जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व के लिए। वहां पर ही अगर बात करें जेआरएफ के लिए, तो अगर आपका स्कोर आ रहा है 65 टू 70 के बीच में, ठीक है, जेआरएफ के लिए, तो आप के लिए जो है ये सेफ जोन हो जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पर जो है ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होगी आपका जीआरएफ क्वालिफाइड करने की। ठीक है, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सेफ जोन स्कोर है वो है 53 to 55। अगर मैं जून की बात करूं, ठीक है, तो जून में जो एग्जाम हुआ था जून 2020 का एग्जाम, तो उसमें मोस्टली सब्जेक्ट में जो डिफरेंस था ना कट ऑफ में, यानी कि नेट के लिए जो डिफरेंस था ईडब्ल्यूएस एंड जनरल में, वो अराउंड 4 to 5% का था, यानी कि जो पास जो आपका 2020 में एग्जाम हुआ था उसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल
के जो परसेंटेज में डिफरेंस था वो 4 to 5% का था, तो उसी के बेसिस पे मैंने आपकी बार भी ये आपको जो है मैं प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जीआरएफ में जो जितना डिफरेंस आपका कैटेगरी वाइज नेट के लिए होता है यानी कि लेक्चरशिप के लिए होता है उतना डिफरेंस जीआरएफ में नहीं होता है कैटेगरी वाइज, यानी कि जीआरएफ के लिए कम जो है डिफरेंस जो है परसेंटेज जो है ना वो कैटेगरी वाइज कम होता है डिफरेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर 65 to 70 की प्रिडिक्शन है मेरी, EWS के लिए 61 to 64 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में यहाँ पर हैं। ठीक है, 61 to 64 EWS के लिए। ठीक है, OBC के लिए, ठीक है, यहाँ पर 52 to 54, अगर आपका स्कोर 52 to 54 के बीच में वैरी कर रहा है तो आप यहाँ पर अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो EWS और OBC का स्कोर है, अगर हम जून 2020 की कट ऑफ देखें तो आप उसमें एक चीज क्लियरली जो है वो देख पाएंगे कि EWS एंड OBC में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, हार्डली या तो कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस रहा या 1% का डिफरेंस रहा है, और कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे कि पास्ट 2020 के एग्जाम में EWS और OBC जो एजुकेशन का पेपर है उसका जो स्कोर था जो परसेंटेज थी वो सेम ही थी, EWS के लिए भी 54% थी, ठीक है, और OBC के लिए भी 54% थी। ठीक है, तो अगर हम जो 2020 एग्जाम को लेकर चलें, अगर उसके आधार पर हम लेकर चलें तो इसमें जो EWS और OBC की कैटेगरी में जो डिफरेंस जो है वो बहुत कम आएगा, यानी कि आप बराबर ही मानकर यहाँ पर चल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप OBC के लिए GRF के लिए आप जो है आपका सेफ स्कोर रहेगा 60 to 63 के बीच में। ठीक है, SC के लिए रहेगा 48 to 52। ठीक है, अगर आपका स्कोर जो है इतना, अगर आपका जो परसेंटेज बन रही है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, GRF के लिए रहेगा 58 to 62, राइट, ST के लिए रहेगा 43 to 47 के बीच में स्कोर है अगर आपका इतनी परसेंटेज है तो, 56 to 59% के बीच में अगर आपका जो इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं। ये जो जितनी भी मैंने यहाँ पर आपको जो बताई है ना, ये जितनी भी मैंने यहाँ पर आपको जो मैंने बताया है प्रिडिक्शन, ठीक है, वो सब अकॉर्डिंग टू द पास्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर एनालिसिस जो है आपको बताई है। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे ये आपका हो सकता है, बट मेरा यहाँ पर जो एम था वो ये बताना था कि आप अगर आपका इतना इसको इसके अकॉर्डिंग आपका अगर स्कोर है आपका, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप जो है आसानी से अपना नेट और जीआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।